अखिलेश जी आपका स्वागत है आपके आने से बिल्कुल रौनक बढ़ गई है पूरे हॉल में न्यू एनर्जी आ गई है आई एल रिक्वेस्ट एवरीबडी थोड़ा शांत रहिए। हम सब जिसकी वेट कर रहे थे वो आ गए हैं बट लिटिल बिट ऑफ साइलेंस प्लीज अखिलेश जी आज का हमारा टॉपिक है कि पीडीए का खेल निराला तो ये जो आपकी जो पी की राजनीति थी दिल्ली में काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया था पी क्या होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पर लगता लगता है कि जनता ने पी आपको दे दिया वापस क्योंकि ये जो चुनाव जो आप जीते हैं फर्स्ट आई वांट टू यू सबसे ज़्यादा नंबर समाजवादी पार्टी कभी का वो आप लाए हैं थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और उसकी रणनीति के बारे में आप बताइए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ और चुनाव के बाद इधर हाउस चल रहा है बहुत सी बातें हाउस में हो रही हैं और पी को लेकर के खासकर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत चिंतित हो जाती हैं कल ही एक फैसला मैंने लिया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने जब राय ली तो उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी ही सबसे बेहतर होंगे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन बने बने उसके बाद सभी की राय को मानते हुए समाजवादी पार्टी ने वहां पर माता प्रसाद पांडे जी को लीडर ओपोजिशन की जिम्मेदारी सदन में दी है उसके बाद तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी दल को हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से नहीं काम करती है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो गलत फैसले हैं गलत नीतियां हैं उसके कारण ही पीडीए बनाना पड़ा अगर उन्होंने जो बात पहले कही कि हम गरीब और जो गांव में रहते हैं उनकी तकलीफ और परेशानी के लिए हम काम करते हैं अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी इतनी बुरी उत्तर प्रदेश में नहीं हारती न केवल बीजेपी हारी है हालांकि प्रधानमंत्री जीते हैं लेकिन अगर हम वोटों की गिनती में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हारे हैं जीत जरूर गए हैं लेकिन वोट से हारे हैं पीडीए में आज़ादी के बाद जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला उनके हक और सम्मान की लड़ाई है उनके सम्मान की बात है और आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो कभी जातिगत जनना के खिलाफ थे वो आज कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं तो कास्ट सेंसस की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पीडीए को ही सम्मान और हक मिलने जा रहा है इसमें पिछड़े दलित आदिवासी की आबादी है इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम भाइयों की है इसी में पिछड़े दलित और अगड़े जो हमारे पिछड़े उनकी आवाज है तो इसमें सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है इसीलिए जनता ने स्वीकार किया और परिणाम उत्तर प्रदेश का इसीलिए सबसे बेहतरीन आया और भारतीय जनता पार्टी जहां वो डबल इंजन की बात कर रहे थे वो सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया नहीं। वाकई सच है अगर बीजेपी को रोका गया तो यूपी में रोका गया इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो अखिलेश यादव थॉट लीडर ऑफ अपोजिशन है क्योंकि जो आपकी सोच थी वही ऑपोजिशन में काम आई और जैसे कि आपने कहा जाति जनगणना की बात कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती थी लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी आपके बात बोल रही है जो आपके सोच हैं आपने इनफैक्ट आई वुड से डिट अखिलेश यादव रन द इलेक्शन बिकॉज पहले राहुल गांधी यूपी से लड़ना नहीं चाहते थे आपने उनको लड़ा तो थोड़ा सा बैक रूम स्ट्रैटेजी जो आपने करी थी टू ड्राइव द ऑपोजिशन उसके बारे में बताइए नहीं हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी बहुत क्लियरिटी थी हमारे काम में कि हमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाना है जो भारतीय जनता पार्टी की नाकाम है वो बताना है और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो एक नेशनल नेरेटिव में हम लोग मिलकर के जो लड़े और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स में इस बार तालमेल दिखाई दिया हालांकि दूसरी पार्टी के पास पार्ट संगठन उतना मजबूत नहीं था इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मेहनत कर कर के जो भी पार्टी का फैसला था उसको स्वीकार किया लेकिन थोड़ा सा आजने का इस बारी कांग्रेस के साथ अच्छा काम हुआ मतलब पहली बारी नहीं हुआ था इस बारी थोड़ा सा अलग सोच हुई कैसे हुआ आप दोनों का मिलन इधर समाजवादी पार्टी बहुत सारे अन्य दलों के साथ काम कर चुकी है तो उस अनुभव का लाभ इस गठबंधन में मिला हम लोगों को कहते तो हैं ऑपोजिशन का लीडर कांग्रेस है लेकिन जहां ममता बनर्जी का कुछ होता है रैली तो अखिलेश यादव को नहीं होता आता है जगन रेड्डी कोई प्रोटेस्ट करता है तो अखिलेश यादव जाते हैं तो हु इज द ग्लू इन ऑपोजिशन देखिए ममता बनर्जी जी के साथ हमारा गठबंधन था चुनाव में भी बहुत सारे लोग चर्चा ये करते थे कि आपका गठबंधन कैसा है कि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं वहीं आप टीएमसी के साथ भी चल रहे हैं उस समय भी समाजवादियों ने और हम लोगों ने कहा कि हमारे संबंध जो हैं एक तरफ जहां पार्टी के संबंध एक दल के साथ हैं वो हम निभा रहे हैं और जो नया गठबंधन बनाया हम उसके साथ भी हैं यही समाजवादियों का तरीका है काम करने का और उसका असर दिखाई दिया है कि कहीं भी किसी के बीच में विरोध नहीं हुआ और जहाँ तक जगन की पार्टी के साथ है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार आती और जाती है जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुकने चाहिए थे हमारे तमाम नेता और साथी जब विपक्ष में थे उन बातों को कहते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद हम लोगों की कोशिश हुई कि कोई भी प्रोजेक्ट रोका नहीं और जिस तरह से अन्याय उस समय उस दल ने किया था हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता और सरकार की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ इसीलिए हम लोग गए जिस समय दूसरे दल के साथ अन्याय हो रहा था उस समय भी लोकसभा समाजवादी पार्टी के उस दल के साथ खड़ी थी उस समय उस दल के साथ खड़े थे और जब ये सूचना मिली और उन दल के लोगों ने कहा कि बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है पार्टी की ये के कार्यालय से लेकर के तमाम नेताओं के घरों पर बुलडोजर चला है कार्यालय बुलडोजर चला है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं इसलिए जहां कहीं भी अन्याय होगा किसी लीडर के साथ समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी अभी अखिलेश तो कैसे होगा विद कांग्रेस कितनी सीट्स देंगे उसमें क्या सोचना है बीजेपी हारेगी और बाई इलेक्शन की वजह से ही सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना था अभी भी विधायक संतुष्ट नहीं है बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के बड़े लीडर संतुष्ट नहीं है ये बस समय से थोड़ा समय वो कहते हैं ना टाइम निकाल रहे हैं बस जेल में भी टाइम निकालते हैं लोग नहीं वो अलग बात है लेकिन बस वक्त गुजार रहे हैं वो लोग और इसीलिए मैंने लोकसभा में ही मैंने लखनऊ की सरकार हालांकि उनकी बहुमत की सरकार है लेकिन दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है एक ना एक दिन गिरने वाली सरकार बनेगी आप देखिएगा गिरी की सरकार तो आपने लखनऊ के लिए तो एक मानसून ऑफर दे दिया दिल्ली के लिए कोई विंटर ऑफर है नहीं लखनऊ के लिए ऑफर दे सकता हूं मैं हमारे पास संख्या इतनी है कि अगर कोई आना चाहे और सरकार बना करके खुद कुछ बनना चाहे तो उसके लिए ऑफर खुला है अभी मानसून ऑफर है और उसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा जब तक गिरा नहीं लेंगे तब तक हमारा डिस्काउंट चलेगा तो ये सरकार फुल टर्म लास्ट नहीं करेगी आप कह रहे हैं? देखिए अब सरकार के चलने का क्या है कोई काम तो हुआ नहीं हालांकि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि किनी प्रदेशों को पैकेज मिला हो लेकिन अगर यूपी को पैकेज नहीं मिल रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है और आप देखिए अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जहां पर एक अधिकारी में एक के सर पे मार दिया उसने बताओ क्यूटो में अगर ऐसा हो रहा हो और क्यूटो वालों ने देखा जरूर होगा मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कार्रवाई भी की होगी उसके बाद आप सोचिए अधिकारी कितना फ्रस्ट्रेट है कि वो सामने वाले के सर मार दिया उसने तो आप सोचिए क्या हालत है सरकार तो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड है मिनिस्टर्स के हाथ में कुछ नहीं बचा मिनिस्टर से आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके विधायक कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए नहीं बीजेपी भी, के कुछ नेता हमें मार डालेंगे सोचिए ये हालत यूपी में और एक ने बहुत खास रहे मुख्यमंत्री जी के उन्होंने कहा कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में इतना करप्शन कभी नहीं देखा जितना इस बार देखने को मिला है और अभी हाल में एक थाना पकड़ा गया सोचिए थाने की कमाई क्या थी पंद्रह लाख रुपए प्रतिदिन को भी अच्छा व्यापार कर लें आप शायद इतनी कमाई नहीं होगी लेकिन थाने के उत्तर प्रदेश में वो कमाई थी और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात एक आईपीएस और उस इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों ने पकड़ा और पूरा थाना सस्पेंड हो गया सोचिए हालत है जो लोग कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे अब तो नाम भी नहीं ले रहे स्मार्ट सिटी का तो आखिर सरकार में क्यों बैठे हैं। और फिर दो सरकारें उनकी हैं आखिर बजट कहा जा रहा है अगर यूपी को बजट मिल है, तो रहा है तो बजट जा रहा है मुझे लगता है आपको दिल्ली में मजा आ रहा है क्या आपको अब अखिलेश यादव की राजनीति अब दिल्ली सेंट्रिक हो गई है मैं बहुत दिनों से दिल्ली में हूं बस बीच में यूपी में चला गया था मेरी शुरुआत ही दिल्ली से हुई सबसे पहले 2000 में मैं लोकसभा में आया था और क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है और यूपी की पॉलिटिक्स अलग है इधर यूपी की पॉलिटिक्स थोड़ी तेजी पकड़ी थी अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे यूपी ही पॉलिटिक्स चलेगी दिल्ली दिल्ली लखनऊ या सेफआई इन तीनों में से सबसे फेवरेट कौन सा है आपका अब तो एक्सप्रेस वे है तीनों जगह आरामी है और ये देन समाजवादियों की है जो तीनों एक्सप्रेसवे मतलब तीनों शहरों को अच्छी तरह जोड़ दिया और सच्चाई तो ये है कि जो डिज़ाइन और जो स्पेसिफिकेशंस या जो टेक्निकल चीज़ें समाजवादियों ने अपने एक्सप्रेस वे बनाई बाद में एनएश ने वो फॉलो किया आप देखते होंगे पहले एनएश में सब टोल पचास किलोमीटर पर हुआ करते थे ये पहली उत्तर प्रदेश की डिज़ाइन थी एक्सप्रेसवे की जिसमें सब टोल नीचे हो गए और उसके बाद आप देखेंगे जो नई डिज़ाइन में जो एक्सप्रेस वे एन बना रहा है वो सब के सब टोल नीचे लेके जा रहा है तो कम से कम उत्तर प्रदेश ने देश के बड़े बड़े विभागों को दिशा दिखाई और याद कीजिए वो समय जब प्रधानमंत्री जी सड़क पर उतरे थे वो हर का विमान इसीलिए उतर पाया था क्योंकि समाजवादियों ने वो एक्सप्रेसवे बनाया था और उस डिज़ाइन का पार्ट ये था कि इमरजेंसी में अगर कोई एयरक्राफ्ट उतरना चाहेगा एयरफोर्स का तो वो भी यूज़ कर सकेगा और बीजेपी ने कोई दूसरा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया है, जहां पर ऐसा हवाई जहाज उतर जाए वो केवल समाजवादियों की देन थी चलिए आपने बीजेपी को भी ऑन ग्राउंड कर दिया पर एक्चुअली काफी लोगों को पता मालूम है या नहीं पर अखिलेश यादव इज आल्सो एन एनवायरमेंटल इंजीनियर और एक्सप्रेसवे में उन्होंने काफी डिजाइन में दिलचस्पी दिखाई थी ही वाज एक्चुअली ऑन द ड्राइंग ड्रॉइंग बोर्ड ऑन द एक्सप्रेसवे हर आई थिंक हर टर्न और हर मोड के बारे में आपको मालूम है एक्सप्रेस के बारे में वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि जिस अलाइनमेंट से वो सड़क जा रही थी वो हमारे क्षेत्र रहे हैं उसकी वजह से भी और क्योंकि कम समय में बनाना था शायद देश ने 21 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे कभी नहीं बनाया होगा जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार ने बनाया सिक्स लेन एक्सपेंडेबल टू एट लेन पर आपने मुझे याद है 2017 के चुनाव में आपने बोला था कि हमने बात करी थी एक्सप्रेसवे की मेट्रो की आ, और जो आपने डेवलपमेंट ड्या, ड्या, काम किए हैं दूसरी तरफ से बात हुई थी शमशान घाट कब्रिस्तान की तो उसके बाद आप कह रहे थे कि इलेक्शन जीतने के लिए कोई इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए तो इस बारी इमोशनल क्वेश्चन क्या होगा दो में देखिए ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे मुद्दे लेकर के आती थी जनता के बीच में जिससे उन उनके इमोशन का फायदा उठाते थे हालांकि उन्होंने बहुत प्रचार किया, कि उन्होंने बहुत किया लेकिन इस बार उनका डेवलपमेंट नहीं चला और खासकर कुछ क्षेत्रों को तो वो बहुत डेवलपमेंट से जोड़ते थे लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी अब उनको हराना हम लोग सीख गए हैं तो 2027 में क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे 2027 बहुत अलग तरह का चुनाव होगा वो बीजेपी को हटाने का होगा और 2027 से बीजेपी का पता नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी का उनके पास जवाब नहीं है आप सोचिए दस साल के बाद भी जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार किए क्या स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि हम आपको पांच हजार रुपए की नौकरी देंगे आपको और वो भी केवल एक साल के लिए जब सरकारी कर्मचारी एट्थ पे स्केल मांग रहे हैं वो उस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली वाली क्या कह रही है? कि हम आपको पांच हजार की नौकरी देंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाए हो और फिर फौज की जो अग्निवीर वाली नौकरी है कभी स्वीकार नहीं कर सकता नौजवान सवाल ये नहीं है कि आप अग्निवीर की नौकरी दे रहे हैं फिर उनकी जो स्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर के बच्चे जो निकल कर के आएंगे हम उनको रिजर्वेशन देंगे अलग से उनके लिए कोटा फिक्स करेंगे आखिरकार आप फौज को क्यों कम कर रहे हैं ये क्या वजह है कि आप लगातार फौज की संख्या को कम करना चाहते हैं जो व्यवस्था अग्निवीर लाए हैं वो इसलिए लेकर के आए हैं ये फौज की नौकरियों को कम करना चाहते हैं इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका भी जवाब बीजेपी के पास नहीं है आखिर बीजेपी महंगाई कैसे रोकेगी और फिर यूपी जैसे स्टेट में कोई आई नया मिल गया होता जो एम्स दिए वो भी समाजवादियों ने अगर मदद न की तो शायद एम्स न बने होते चाहे वो रायबरेली का एम्स है जगह अगर किसी ने उपलब्ध कराई थी उस समय तो समाजवादी सरकार थी गोरखपुर में जो एम्स बनाया उसमें भी जगह समाजवादियों ने उपलब्ध कराई और आप कल्पना कर सकते हैं प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिटी में जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर डॉक्टरों को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है कि बेड बढ़ा दिए जाएं कोई कल्पना कर सकता है इस बात की और फिर जिस माँ गंगा को कहा कि हम साफ कर देंगे सफाई कर देंगे पानी बहेगा इसमें लेकिन कहाँ माँ गंगा साफ हुई कोई नदी जो उससे जुड़ती है वो साफ नहीं हुई उसका जवाब क्या है भरती द्रबाडे के पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा अखिलेश जी भविष्य की लड़ाई आपकी मोदी जी के साथ नहीं है योगी के साथ है बिकॉज ही इज द सक्सेसर टू नरेंद्र मोदी फ्रॉम द इंडिया अलायंस भी देखा जाए भविष्य का नेता है तो आई थिंक अखिलेश यादव इज स्टैंडिंग वेरी टॉल तो आपको लगता है कि अगली लड़ाई जो होगी विल बी अखिलेश वर्सेज योगी लड़ाई किससे होगी ये तो नहीं पता लेकिन किसान मजदूर नौजवान तैयार हैं बीजेपी को हटाने के लिए क्योंकि आपने क्या दिया किसानों को गन्ना किसान के लिए आपने बहुत सारे वादे किए आज भी पूरे नहीं है दोनों सरकारें इनकी हैं। आपने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी आखिर आखिरकार किसान गेहूं लेकर के कहां जाए या अपनी पैदावार को लेकर के कहां जाए अभी सुनने में आ रहा है जो पढ़ा है बजट में कहा कि आपका जो मस्टर्ड है जो तिल है सोयाबीन है ग्राउंड नट है इसके ऑयल और किसान की मदद होगी और इस ऑयल के कारोबार को मदद होगी जब आपने 10 साल में कई ब्रांड ऐसे क्रिएट कर दिए जिनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है तो अब इस स्कीम के लाने का फायदा क्या है आपने कहा कि कॉप ट्वेंटी में गए और कहा कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए, के, लिए के लिए काम करेंगे हम किसानों की सबसे पहले मदद करेंगे आज बजट में आपको रेजिलेंट क्रॉप की सीड्स के लिए काम करना पड़ रहा है आप नैनो यूरिया लेकर के आए थे लेकिन नैनो यूरिया जो लेकर के आए कोई रिसर्च टिविटी नहीं बता सकती कि नैनो यूरिया डालने से किसान की पैदावार बढ़ी है कि क्वालिटी बेटर हुई है क्या किसी बीमारी से बचाया जा सकता है तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है तो बात ये नहीं कि किससे चुनाव होगा जनता के सामने जब बात रखी जाएंगी तो मैं समझता हूं जनता का समर्थन मिलेगा और बीजेपी को हटाने में जनता साथ आएगी अखिलेश क्या बदला था बिकॉज जब चुनाव शुरू हुआ था जब राहुल गांधी इनफैक्ट भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली गई थी भीड़ बिल्कुल नहीं थी जब वो अपना नामंत्रण भरने गए थे तभी भी, भी भीड़ कम थी मतलब उनको आंध्र प्रदेश सीएम का कैबल बुलाना पड़ा तो उससे और यू वो कॉन्फिडेंट के राहुल जीतेंगे आपने ही कहा था कि आप लड़ो तो क्या कॉन्फिडेंस किस बात से आया और क्या बदला फर्स्ट चुनाव के शुरू होने से और चुनाव के ख़त्म होने में क्या बदला सबसे ज्यादा विधायक रायवली में समाजवादी पार्टी के हैं तो उन्हीं के भरोसे पे मैं कह सकता था कि कोई भी लड़ता वो चुनाव जीतता और बहुत बड़ी जीत जो मिली है वो इंडिया गठबंधन की और जो कांग्रेस का नेरेटिव था समाजवादी पार्टी का साथ आना पी के लोगों को जोड़ना और समाजवादी पार्टी के जितने विधायक संगठन के लोगों का उनका साथ जुड़ जाना उसी का परिणाम हुआ कितने बड़े बोर्ड से और कितने बड़े से जीते, न केवल अमेठी जीते वो सॉरी राय बल्कि अमेठी भी कभी परिणाम वही आया समाजवादी लोग जुट गए कांग्रेस के साथ और वो भी चुनाव हम लोग जीते। अखिलेश यादव इज अ वेरी ग्रेसियस मैन आपने कांग्रेस को भी आप हिस्सेदार बोल रहे हैं बट इन दी एंड समाजवादी पार्टी के बल पे कांग्रेस है अखिलेश इट इज विद जहां पे उनकी अपनी सरकार है तेलंगाना उनकी आठ सीट आई कर्नाटक में आपको पता है तो आपको अभी भी आप कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं ये ठीक बात है कि कुछ जगह अगर और अच्छा परिणाम आता तो बीजेपी की सरकार आज दिल्ली में नहीं होती कांग्रेस बात करिए शैडो कैबिनेट की अगर ये शैडो कैबिनेट होगा तो ये शैडो कैबिनेट का प्रधानमंत्री कौन है अभी तक ये कोई चर्चा हम लोगों के सामने नहीं आई और अगर शेडो कैबिनेट में ऑप्शन होंगे कई प्रधानमंत्री के तो कई प्रधानमंत्री होंगे <laughs> चलिए आपने बहुत पर आ, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इट्स थर्टी सेवन इज इज अग नंबर तो ये आपकी समाजवादी पार्टी और नेताजी की समाजवादी पार्टी में क्या फ़र्क है वेर इज़ पहले कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी एक देर वॉज़ ऑल्सो एलिगेशन्स था कि एक ज़्यादा गुंडा की पार्टी है इट वॉज़ मोर बैकवर्ड नॉट इन टू कम्प्यूटर्स आप यू वर द फर्स्ट पर्सन टू कैरी अबी बी एम आई रिमेंबर मैं आपसे उस समय दो हज़ार बारह के चुनाव में चल रही थी तो आपके आने के बाद पार्टी ऑफिस में कंप्यूटर्स आए तो क्या क्या बदलाव आया जो आपकी पार्टी में जो अखिलेश यादव का स्टैम्प हो आइडियोलॉजी हमारी वही है जो डॉक्टर राम मनोहिया ने दी नेताजी उसके लिए काम किए कि लोग संपन्न हो समानता आए ये अलग बात है कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं उन परिस्थितियों में नेताजी लड़ रहे थे चुनाव और आज जो परिस्थितियाँ बदल गई तो उन परिस्थितियों के हिसाब से जो बदलाव ला सकते थे वो समाधि पार्टी में हम लोग लाए लेकिन हमारा सिद्धांत वही है जो नेताजी ने हम लोग को दिया या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया और जहाँ तक कंप्यूटर नई टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस वे की बात करना मेट्रो लाना या सिटीज़ के लिए अर्बन प्लानिंग क्या हो सकती है वो एक क्योंकि उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं हाँ, थे आज रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उस समय सिटी छोटे थे आज सिटीज़ बहुत बड़ी हैं अर्बन प्रॉब्लम है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे चलेगा आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है दुनिया क्या सोच रही होगी कि दिल्ली राजधानी उसमें पानी भर गया और बच्चों की जान चली गई और बच्चों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा पाते तो सोचो आज हमारे क्या इश्यूज हैं तो जो इश्यूज थे उसके हिसाब से जो परिवर्तन ला सकते थे वो हम लोगों लाए और मुझे खुशी इस बात की जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो नेताजी उस चीज के साथ साथ थे, थे। नेताजी साथ थे कि हाँ नए समय के हिसाब से अगर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि अब उसमें लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता है आज आप कोई भी टेक्नोलॉजी किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है तो वो एक एडवांटेज मिला न केवल लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया मैं आज भी जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के पास जो दिए गए थे किस जमाने में लैपटॉप वो आज भी उनके हाथ में चल रहे हैं आज भी और केवल यही नहीं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि देश का सबसे बेहतर पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था डायल हंड्रेड और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट को देख करके आए थे एन का कि वहाँ का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है उनका जो हेड क्वार्टर है उसमें कैसे इंफॉर्मेशन आती है तो उसको देख करके आए सिंगापुर का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा उन्होंने पुलिस का उसके बाद हम लोगों ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से प्रोफेसर वेंकट को साथ लेकर के वो डिजाइन किया वो देश का आज भी सबसे बेहतरीन पुलिस के पास रिस्पॉन्स सिस्टम है तो न केवल हम लोगों ने लैपटॉपेंट किया बल्कि टेक्नोलॉजी से कैसे हम एक डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चरल चेंज ला सकते हैं वो भी करके हम लोगों ने यूपी में दिखाया और आपको फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है तो आजकल टाइम मिलता है फोटोग्राफ लेने का नहीं अब तो कोई शौक नहीं अब तो सब शौक खत्म हो गए अब राजनीति का शौक आ गया है राजनीति का शौक अब एक है। ही शौक है कि हाँ बीजेपी को हराओ बीजेपी को हराने के बाद क्या होगा आपका लगता है इंडिया अलायंस में कैसे देखिए हम, हम लोग तो कई चुनाव हारे मान लीजिए चुनाव हारे टू सत्रह का हारे बाईस का हारे मान लीजिए उन्नीस का भी हारे तो हमारे चेहरे इतने डाउन नहीं थे सोचो आप बीजेपी तो हार भी नहीं स्वीकार कर पा रही है और अभी भी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं कि ये लगता है अभी अभी हारे हैं ये लोग और जबकि सरकार उनकी है सोचो सरकार होने के बाद भी उनके चेहरों पे खुशी नहीं है और फिर बजट आने के बाद तो क्या खुशी मिलेगी किसी को ना सरकार बनने की खुशी किसी को मिली और ना बजट आने की खुशी किसी को मिली बजट के बारे में आपको क्या लगता है ये जो मिडलो मिडिल क्लास के खिलाफ जो टैक्सेस रेस कर रहे हैं उसके बारे में देखिए बजट बीजेपी कभी भी आम लोगों के लिए बजट नहीं बनाती है अब आप सोचिए कि जो स्कीम ला रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट की और अप्रेंटिस वाली स्कीम जो ला रहे हैं जहां पर वो इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग दीजिए तो जब ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आखिरकार ये वर्कफोर्स आपके लिए किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं आप इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए वर्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सप्लॉयट करेंगे हमारे नौजवानों को जब इतनी वर्क फोर्स होगी ट्रेंड तो उनके पास ऑप्शन होगा कि आपको कम वेतन में किसको हम नौकरी दे दें तो ये जो स्कीम आई है वो अंतर्गत हमारे नौजवानों को एक्सप्लॉयट करेगी और ये नौजवानों को रोजगार का रास्ता नहीं दिखा रही है ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है उनकी मदद करने जा रही है हाँ, अगर कोई कैप ऐसी हो जहां पर उन्हें इस वेतन से कम वेतन नहीं मिलेगा तो हम इस स्कीम का स्वागत करते हैं अच्छा अयोध्या अयोध्या के बारे में 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 बताइए कि बीजेपी को आपने हराया और पर आप राम जन्मभूमि मंदिर अभी तक नहीं गए अयोध्या में हार बीजेपी की इसलिए हुई कि वहां की जनता उनके खिलाफ थी और कई मौकों पर मैंने आवाज़ दी और आगाह किया और यहाँ तक कहा मैंने कि जब आप किसी पुण्य काम के लिए ज़मीन ले रहे हैं आप जो गरीब हैं किसान हैं कम से कम उन्हें मुआवजा ठीक दिया जाए जब एयरपोर्ट लिया जा रहा था एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन ली जा रही थी उस समय ही मैंने कहा बाजार जब तोड़ा जा रहा था पूरे अयोध्या के व्यापारी मुझसे मिले थे आकर के तब भी ये बात मैंने सरकार से कही कि अगर इन लोगों के आप दुकान तोड़ रहे हैं बाजार को तोड़ रहे हैं तो कम से कम इनको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे बहुत सारे हजारों परिवार थे जो बरसों से वहां पर रह रहे थे कोई चालीस साल से कोई पैंतालीस साल से कोई पचास साल से आपने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया और उनकी जमीन आपने ले ली सोचिए आप इतने पुण्य काम के लिए जमीन ले रहे हो और आप मुआवजा ना दे पा रहे हो उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि अयोध्या जैसे मंदिर के लिए अगर आप ले रहे हैं जमीन ले रहे हैं तो सर के रेट बढ़ाइए और सर के रेट का गुना इन गरीबों को दीजिए एक भी सरकार ने हम की बात नहीं सुनी और फिर जिस तरह से वहां जमीन ली गई है क्योंकि गरीब को यह नहीं पता है कि फ्यूचर क्या होगा इसकी कॉस्ट क्या होगी तो गरीब को पता ही नहीं था न जाने कहां से बीजेपी के लोग आए और पूरे अयोध्या के आसपास की जमीन ले ली और जब तक ज... पता लगा गरीबों को कि उनकी जमीनों की कीमत यह होगी बाद में जाकर के तो उन्हें दुख जरूर हुआ होगा और दुख की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और परिणाम यह हुआ कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार और आप कब जाएंगे अयोध्या मैंने कहा कि आ, हमारा मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा भगवान शिव के दर्शन कर करके फिर मैं अयोध्या जाऊंगा जो बात मैंने पहले कही थी वो आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ तो जल्दी दर्शन कर करके और और दर्शन करने जाऊंगा जा आज पार्लियामेंट में आप और डिम्पल दोनों लोकसभा में हैं इनफैक्ट हम अभी बात ही कर रहे थे अनुराग और मैं कि कौन हस्बैंड वाइफ आई थिंक बादल्स इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी तो आप और uh, डिंपल सेम हाउस में हैं तो व्हाट इज इट लाइक इस पर मैं क्या कह सकता हूँ जो भी कही हाँ। है, सही कही है। तो घर जाके बताना पड़ेगा हाँ। सच्चाई तो ये कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं चुनाव फिल करना से लड़ गया हाउस में अच्छी बात है जो लोग पर्यावरणवाद का मुद्दा उठाते थे, थे कम से कम अब वो हाउस में जो हम लोग सब जीत करके आ रहे हैं उनका मुद्दा हम लोगों ने खत्म कर दिया दैट इज आपके सारे लोग जीत के आए हैं बट अगर आपको लगता है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आपने वो जवाब मुझे दिया नहीं नहीं मैं स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव होते इसलिए कि चुनाव लड़ा जाए <laughs> तो अभी लोकसभा लड़ रहे हैं फिर विधानसभा लड़ेंगे पहले विधानसभा लड़ा था फिर लोकसभा लड़ रहा हूँ मैं तो कोई चुनाव छूटना नहीं चाहिए वेरी वेल सेट थैंक यू सो मच अखिलेश यादव फॉर दिस कॉन्वर्सेशन और I can see all the cameras are on. Thank you, Akhilesh. <laughs>